कोई सा प्लान एंड फन विद सीरत। तो आज हम जा रहे हैं, आपको भी साथ में लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि कौन कौन से जानवर हैं उसमें। फिलहाल हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और बहुत टाइम से कौन कौन से जानवर हैं। हाँ। है और ये है नाज की खुशी में, क्योंकि नाज प्राइज लेके है, वो जाके पता चलेगा। फिलहाल कैसे लग रही है नाज, सीरत, अबान? अबान तो हीरो की तरह लग रहा है, सही तो है। और ये मैंने नाज के कपड़े ना मैंने नाज को गिफ्ट में दिए थे जब नाज ने सॉन्ग सुना था, साथ में चीलू को भी मिल जाता है गिफ्ट। हाय फ्रेंड्स बोलो ना, हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स बोलो, हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे क्योंकि हम जब तैयार हो जाते हैं हम बात नहीं करते, बस सीधा निकल जाते घूमने के लिए। अच्छा बोलो, बोलेगा हाय फ्रेंड्स। चलो हम कहाँ जा रहे हैं आज, हम शील देखने जा रहे हैं। हे हेलो, एक कैटलेस दे दो, शेयर करके खा लूं मेरे लिए, बगल में एक वड़ा पाव और एक कैटलेस में दोनों खा लेंगे। दी भजी नहीं, ऑयली नहीं ले रहे अभी, केला खाएगा केला। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि अगर आपको रानी बाग जाना है तो सबसे ज़्यादा नज़दीक स्टेशन पड़ता है बाइखल्ला, और बाइखल्ला सेंट्रल लाइन में आता है तो आपके लिए वो ज़्यादा इजी है, तो आप बाइखल्ला से जा सकते हैं। तो हम पहुंच गए अभी रानी बाग, और रानी बाग पहुंचने बाद जब हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रश है, बहुत लंबी लाइन है, तो अभी हमें यहाँ पे आके एक पता चला, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको कि आप सपोज़ मम्मी डैडी और दो बच्चे साथ में आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ में चारों के टिकट मिल जाएंगे, और वैसे सिंगल इंसान का है, सिंगल पर्सन 50 रुपीज़ का टिकट है, और 3 से 12 साल के बच्चे का है 25 रुपये का टिकट। तो अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं, मम्मी डैडी के साथ में, तो आपका 100 में टिकट आ जाएगा। चलो हाथी राजा, हाथी राजा मस्ती मलंगती। तो रानी बाग में एंट्री होने के बाद सबसे पहले हम मिले हाथी राजा से, जो कि हमें देखकर इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि हाथी बहुत गंदा हो रहा था और सिंगल था, एटलीस्ट दो हाथी तो रहते जोड़ा ताकि वो भी अपने आपस में बात कर सके, है ना। और यहाँ पर लिखा है लायन किंगडम, पर यहाँ पर लायन नहीं है। हम यहाँ पर आए, इतना रश था यहाँ पर, सब लोग खड़े थे लेकिन यहाँ पर कोई लाइन नहीं था, और फिर हम इंतज़ार कर कर दूसरी तरफ चले गए। है लायन है भाई, है लोखंड का लायन है, जुटवुट का लायन है। और यहाँ पर जो आप लंबी लाइन देख रहे हैं ना, जो पब्लिक एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, इतना रश है, पांव रखने की जगह नहीं है, तो यहाँ पर लाइन लगी है भालू के लिए। तो हम किस तरह से आगे बढ़े, और सबसे मुश्किल है मालूम है वीडियो बनाना, सबसे मुश्किल। और ना तो चलो आगे चल के देख लेगी, सीरत के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो सीरत को मुझे गोदी में लेना पड़ता था और मुझे वीडियो भी बनाना था। अब मैं यूट्यूबर है तो इसके लिए वीडियो बनाना तो ज़रूरी है ना, एक बार नॉर्मल भी नहीं बनाएंगे लेकिन अब तो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया वीडियो। और ये वीडियो मैंने इसलिए डाला है, कितनी कितनी देर तक मुझे वीडियो चालू रखना पड़ा है क्योंकि ताकि मैं कोई ऐसा मिस ना हो जाए, कहीं मेरे कैमरे के सामने से भालू निकल ना जाए और मेरा वीडियो अधूरा रह जाए, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और यहाँ पर हमने आफ्टर ऑल भालू देखने मिल गए यहाँ पर हमें, और यहाँ पर एक नहीं दो भालू हैं, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर दो हैं, ताकि वो लोग भी तो आपस में बात करते होंगे ना, उन लोग को भी ज़रूरत है एक दूसरे की, तो यहाँ पर दो है भालू, जोड़ा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ना बहुत अच्छा बनाया है जानवरों के लिए, और यहाँ पर जैसे कोई झूठ मूठ का ना ऐसा शहद का छत्ता कैसा रहता है वो भी बनाया है, ये जो लकड़ी का है ना इसके ऊपर, गर्दी इतना हो रही थी तो नहीं ले पा रही थी वीडियो इसके लिए, ये जो लकड़ी का है ना, हाँ ये साइड में इधर, ये शहद का छत्ता इधर।
क्वेश्चन। कहाँ बैम्बू के पास? इसको दिख रहा है, हमें क्यों नहीं दिख रहा? अरे मुझे दिख रहा है, इसको दिख रहा है बैम्बू के पास। सबको बता दे मैंने देख लिया, चले जाओ सब लोग। हेलो, अरे यही नाच रहे हो, शेर के नाच रहे हो। और नाजना कब से बता रही थी कि उस बांबू के पीछे, उस पेड़ के पीछे जो घर है ना, घर के बाजू में लेफ्ट साइड में जो ट्री है ना, उधर ही शेर खड़ा है। और हम लोग को नहीं पता चल रहा कि वहीं पे शेर खड़ा है। ये जो लेफ्ट साइड का पूरा सामने का जो जाल दिख रहा है ना, ये पूरा शेर का है। और शेर भी एक अकेला था, और वो एक्चुअली क्या है ना, वो रश को देखकर नहीं आता, बहुत ज़्यादा रश रहता है ना तो वो नहीं आता है सामने। इसके लिए हम लोगों ने एक मिनट भी कैमरा बंद नहीं किया। और आप मेरे कैमरे की कंडीशन, वीडियो की कंडीशन देखकर समझ गए होंगे कि कितना रश था और मैंने कितनी मुश्किल से शेर को अपने कैमरे के अंदर लिया था। पीछे वो उधर बैठे, देखो झाड़ के पीछे राइट में। हाँ सब छुप के खड़े हुए जाना, बच्चे छोटे छोटे। और यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे सारे हिरन हैं जिन पे वाइट वाइट ऐसे डॉट डॉट रहते हैं, जिसको स्पॉटेड डियर कहते हैं वो है। और बारा सिंह भी है यहाँ पर। और उन लोग के हिसाब से जैसे उनका माहौल रहता है, जैसे माहौल में वो रहना चाहते हैं, उन लोग के लिए वैसा माहौल बनाया है यहाँ पर हिरन के लिए। और शेर का जैसा माहौल चाहिए उनके शेर के लिए माहौल बना है, हाथी का जैसा चाहिए हाथी का, भालू के लिए जैसे रहना चाहिए कंडीशन उनके घर की, और जंगल में जैसे रहते हैं भालू के लिए वैसा बनाया है। सबके लिए अच्छा है, लेकिन इन लोग का दिल लगता होगा। और यहाँ पर जो आप ये लंबी लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके वहाँ तक ये पेंगुइन की लाइन है। तो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसा है पेंगुइन यहाँ पर, कि टीवी में जैसा दिखता है कि यहाँ पर भी वैसा ही दिखता है। फिलहाल बच्चे ज़्यादा खुश हैं, अभी जाने के बाद पता चलेगा। ये देखो सीरत, अबान और नास ये ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो चलो चलते हैं अंदर देखते हैं। और जो सामने दिख रहा है ना एक बड़ा घर की तरह, उसके अंदर है पेंगुइन। और ये अच्छी बात है कि लाइन यहाँ पर जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही है, जैसे हमने शेर के टाइम पर टाइम पास किया और भालू देखते टाइम, वैसा माहौल नहीं है यहाँ का। आओ सीरत, अपने घर पे चलते। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ ना, यहाँ पे हम जैसे अंदर एंट्री किए ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुआ कि हमें ना लेट हो गया और क्लोजिंग टाइम होने लगा।
तो जो हमारे पीछे की लाइन थी, जो हमारे पीछे के लोग थे ना, जो हमारे पीछे लाइन में खड़े थे, वो अपनी लाइन तोड़ के सीधा हमसे भी आगे निकल गए। तो इसलिए कैमरा इतना डिस्को करने लगा कि हम लोग को कैमरा संभालना भारी पड़ गया, कि मोबाइल संभाले, कि बच्चों को संभाले, बच्चों को भी देखना ज़रूरी था। तो नहीं तो हम लोग की लाइन अच्छी चल रही थी और हम लोग को देखने भी मिल रहे थे पेंगुइन। वो देखो आगे राइट लेफ्ट साइड में ना आगे, और इधर बीच में भी खड़े हो, इधर बहुत ढेर सारे पेंगुइन इधर देखने मिल रहे हमें। लेकिन प्रॉब्लम बस यही हो गया कि टाइम ख़त्म हो गया और सिक्योरिटी ने ना सीटी बजाना शुरू किया कि जल्दी चलो आगे बढ़ो, और जितने बाहर पीछे के लोग थे सब आगे आ गए। अगर आप कभी आते हो रानी बाग में तो आप सुबह ना यहाँ पर जल्दी आइए। हम लोगों को कैसा बोला गया था कि नहीं 4 बजे खुलता है, लेट जाओ, जल्दी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से सुबह में आ सकते हो और खाने पीने की चीज़ें भी लेकर आ सकते हो। हम लोग ने तो देखा काफ़ी लोग अच्छा मस्त खाना खा रहे थे और हम लोग मालूम कुछ खाने के लिए भी नहीं लेकर आए। हम लोग को ऐसा बोला गया खाने की चीज़ें अलाउड नहीं है, कुछ नहीं लेके जा सकते, तो हम लोग कुछ नहीं लेकर आए। लेकिन आप आराम से सुबह आइए तो सुबह से लेकर शाम तक आप हर चीज़ इंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो। अब हम जा रहे हैं यहाँ पर परिंदे देखने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत परिंदे हैं। लेकिन यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है, अंधेरा होने को आ रहा है, और पीकॉक है। देखते हैं अंदर जाके क्या क्या परिंदे देखने मिलते हैं। तो यहाँ से रानीबाग हमारा पूरा देखकर कंप्लीट होता है। यह है बाहर का हिस्सा, हम जो परिंदे देख रहे थे वो साइड से देख रहे थे, सामने के साइड से। तो यहाँ से इतने अच्छे नहीं दिखाई देते हैं, बस ऐसे बना दिया है उन लोग के लिए, बनाया परिंदों के लिए। और परिंदे बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत हैं। आप मेरे वीडियो में शायद नहीं देख पाए क्योंकि बहुत रश की वजह से वीडियो हिल रहा था ना, तो आप नहीं देख पाए। लेकिन आपको एक तो आइडिया आ गया होगा कि आप जाएंगे तो खाली हाथ नहीं, आपको अच्छे से देखने मिलेगा। आप सुबह जल्दी जाएँ
तो आराम से आप हर एक एक चीज़ देख सकते हो, सारे जानवर परिंदे देख सकते हो। और मज़े की बात एक ये है इसमें कि जब शेर आया था ना, उस वक्त हम शेर को अच्छे से नहीं ले पाए। शाम के वक्त मेरी मम्मी वहीं बैठे थे और रश ख़त्म हो गया था, तो जैसे शेर बाहर आया ना तो मेरी मम्मी ने फटक से वीडियो ले लिया इतना सा। तो मैं आपको लास्ट में वो शेर का वीडियो दिखाऊंगी। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पर एंड होता है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में हमेशा नासिरत को याद रखें। अल्लाह हाफिज़। क्या मैं